नमस्कार, मैं जून मैसी इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर तमाम महिला आए हैं, उनके साथ साथ जो पुरुष है उनको भी सपोर्ट देने के लिए आए हैं। लेकिन आज 6 मार्च है, लेकिन 8 मार्च के दिन महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है, जो आज ये लोग संडे होने की वजह से ये लोग आज ही फ्राइडे के दिन ही जंतर मंतर पहुँचे। तमाम इनका जो मांग है हम आप तक पहुँचाने से पहले हम आपको बता दें कि जो 8 मार्च का दिन है महिला दिवस के नाम से मनाया जाते हैं, महिला को सम्मान दिया जाता है, महिलाओं की तमाम जो राजनीति मुद्दा है, आर्थिक जो आगे बढ़ रहे महिला उसके लिए सम्मानित भी दिन माना जाता है। लेकिन क्या भारत के अंदर महिलाओं को सम्मान मिल रहा है? क्या महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं हो रहे? तमाम मुद्दे हैं, तमाम क्वेश्चन है, तमाम अलग अलग सबका राय है, लेकिन आज की जो महिला है वो लोग क्या कहना चाहते हैं? मैडम, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मैं AR सिंधु, कन्वीनर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ वर्किंग वीमेन का, CI2 के सर। ठीक है मैडम, आज आप लोगों का, आप लोग तो 6 तारीख को ही मना रहे हैं, लेकिन मांग क्या है आप लोग? हमारी जो मांग है कि जो महिलाओं का, एक तो है कि सबसे बुनियादी है कि पूरे भारत की स्थिति में एक है कि महिला पूरा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के ऊपर, बच्चियों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, और जो अत्याचारी है उसको सरकारी तरफ से उसको पूरा समर्थन मिल जा रहा है, उनका ही तरफदारी किया जा रहा है। ये एक है बहुत बड़ी मुद्दा है पूरे भारत की, कहीं घर के अंदर में हो या बाहर हो, ये बड़े मुद्दा है। और जो इसके जो बुनियादी एक जो कारण भी है और वो हमारे जो चर्चा में ज़्यादा नहीं आता है, वो है कि महिलाओं को जो काम है, जो महिला पूरे दुनिया के अंदर बोलते हैं 2/3 काम तो महिला करते हैं, पूरे जो UN का आंकड़े आते हैं, ILO के आंकड़े आते हैं कि पूरे जो देश की जो महिलाओं का जो बिन दहाड़ी का जो काम है, चाहे घर के अंदर का हो या बाहर का भी हो, जैसे ये सेवा जो करवाते जाता है, तो वो श्रम का जो है हिसाब मांगने का है हमारी मेन मुद्दा, कि जो अनपेड लेबर ऑफ वीमेन, तो उसमें ये सरकारी आंकड़ा खुद ही बोलते हैं कि वो GDP में अगर गिना जाएगा कि कम से कम भारत का जो GDP है 13% ही उसका ही वृद्धि हो जाए, कि और वो जो, और सरकार खुद ये भारत के अंदर उनका श्रम का सबसे बड़ा लूट तो सरकार खुद कर रहे हैं, जैसे है कि जो सरकार की सेवाएं की योजनाएं हैं उसमें कार्यरत है कि करीब 80 लाख से ऊपर महिलाएं हैं, जैसे आंगनवाड़ी है, आशाकर्मी है, जो मिड डे मील वर्कर, काम होता है आप लोगों के, वो तो उन लोग जो है वो ट्रेड यूनियन का हिस्सा है, लेकिन सरकार खुद बोल रहे हैं कि ये काम ही नहीं है, ये वॉलंटरी काम है, जो ये स्वयं सेवी है, तो उनको इसलिए तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक लूट है, जो घर के अंदर का काम का भी कोई दाम नहीं है। हम ये नहीं है बोले तुरंत जो है इसका ये कर, हम बोले पहले इसका गिनती तो करे, ये हिसाब मांग रहे हैं कि GDP के अंदर इसका हिस्सा का जो है हिसाब होना चाहिए ये महिलाओं का। और जो वेज गैप है, पूरे UN का आंकड़ा है कि पूरे दुनिया में जो हमारी जो जेंडर वेज गैप है, जो वेतन में जो असमानता है, महिलाओं का कम तनख्वाह मिल रहा है, कितना मिलते हैं वो, जैसे कि अलग अलग सेक्टर का अलग अलग है, जैसे दिहाड़ी का जो देखो कंस्ट्रक्शन जैसा है तो महिलाओं का तो कम देते हैं। और ये भी नहीं, जो सरकारी खुद का स्टडी बोलते हैं IT सेक्टर में आपका गैप और ज़्यादा है, जो नॉर्मली ये सोच है कि महिला माने कि हायर जो लेवल का जो काम है उसमें जो है वो गैप नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे गैप बढ़ता जा रहे हैं। और बोलते हैं कि 270 साल लगेगा ये गैप फिल करने के लिए, पूरा कितना दिन लगेगा, 270 साल लगेगा कि ये गैप फिल करने के लिए। तो ये एक जो है बड़ी हिस्सा है, मांग है हमारा कि इसके ऊपर चर्चा भी नहीं है महिला दिवस पे, जो है कि नॉर्मली जो वायलेंस पे चर्चा होता है उतना तो अच्छा है कि कम से कम चर्चा तो हो रहे, लेकिन ये जो मुद्दा है कि बेसिकली जो महिलाओं को जो दूसरे दर्जे का नागरिक मान के उसका जो है मुनाफा कमा रहे हैं, उसका मुद्दे को ये हम लोग हाईलाइट करना चाहते ये है। और उससे जुड़े हुए और भी मुद्दे हैं, ये जो पॉलिसी तय करने वाले जो है उसमें तो बॉडियों में तो महिलाओं का कोई हिस्सेदारी है नहीं, जैसे ये जो है 33% रिजर्वेशन वाला सवाल है, वो तो कभी ये कोई बाकी सारे चीज़ के लिए जो समझौता होता है सारे पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, लेकिन वामपंथ को छोड़ के कोई भी इसके लिए 33% पार्लियामेंट के अंदर असेंबली में आरक्षण के लिए सवाल उठाते ही नहीं है। हम बोलते हैं हर डिसीजन मेकिंग बॉडी में जो महिलाओं का तो आरक्षण होना चाहिए, ये मांग भी हमारा है। और ये अभी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा और भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं कि महिलाओं के अत्याचार भी है, काम के जगह में यौन शोषण वाला मुद्दा है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस के जो खिलाफ में जो एक्ट है वो सबसे कम लागू करने वाला है,
जो कोई भी ऐसा महिला सुरक्षा की बात कहते हैं, महिला सुरक्षा की दावा करते हैं, हर एक पार्टी करते हैं, लेकिन क्या महिला सुरक्षा मिल रहे हैं? वो तो अभी जो देख ही रहा है कि महिलाओं का काम के अंदर में हिस्सेदारी भी कम हो रहा है, महिला बाहर जाने को डर रहे हैं, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, कि जो महिलाओं के ऊपर पर अत्याचार हो रहे हैं, घर के अंदर में भी अत्याचार होते जा रहे हैं, तो ये महिलाओं का सुरक्षा बहुत बड़ी बात है। और उसमें एक है कि एक जो है पूरे समाज के अंदर में इसको एक वस्तु की तरह, एक चीज़ की तरह जो देखा जाता है, ये कमोडिटी है तो तुम यूज़ कर लो वाला, वो एक पूरा जो है ये जो बाजार का जो राजनीति है उसी के अंदर एक है। और दूसरी तरह बोलते हैं कि तुम घर के अंदर ही रहो, कि ये महिलाओं का तो स्थान ही यही है, कि ये दोनों को मिला के ये महिलाओं का दर्जा ही एक, इसीलिए एक जो है महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार कर सकते एक पूरा जो माहौल बना रहे एक है। दूसरा है कि सरकार की जो तरफ से जो करना चाहिए कानूने हैं और जो कमेटीज है उसका रिपोर्ट्स है कि जैसे कि इवन जो रात को जो काम करके लौटने वाले को कोई यातायात का सुविधा ही नहीं है कि जो उसको घर जाने के लिए, वहाँ पे ये सबसे ज्यादा हो रहा है। कुछ राज्य में तो कह रहे हैं कि रात को महिलाओं को 10 बजे के बाद पुलिस अपने घर तक पहुँचाएंगे। पहुँचाएंगे वाले बात है ये, और पहुँचाने वाले बात है दूसरा। दो बातें हैं, काम कानून तो है ही है, ये जो नाइट वर्क को अभी जो है उसको भी कानून भी छो, सरकार तो श्रम कानून भी खत्म कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन भी लागू नहीं करना, समान वेतन भी लागू नहीं करना है, ठेकेदारी भी चलाओ तो कोई श्रम कानून ही नहीं लगेगा। तो ये जो घर के अंदर में पहुंचाने की बात है कि जो अभी जो औरतें यहाँ बोल रहे हैं कि उसके अंदर में किसको कौन पहुंचाएंगे, कौन जिम्मेदार है, किसका जवाबदारी होगा उस सुरक्षा का, तो वो आप तो खुद ही देख रहे हैं कि जो इवन आईटी सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के साथ में कैसा कैसा, बेंगलुरु जैसे शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर में जो गोलीकांड हुआ है, ये सारे जो है आप लोग सीए के खिलाफ भी है? बिल्कुल है, सीए के खिलाफ है आप लोग? हम लोग बिल्कुल सीए के खिलाफ है। उसका बेसिक कारण यही है कि जेको सीए के जो उसके बाद में जो आ रही है एनपीआर और उसके बाद में जो ये एनआरसी का जो घोषणा अभी तो 1 अप्रैल से लागू होगा, तो उसके अंदर में आपको जो है ना आपका जो वोटर कार्ड है जिसको वोट लेके जो सत्ते में आया है वो ना आपका पहचान है और ना आपका पासपोर्ट या कोई भी वैलिड नहीं है, और जो बोल रहे हैं कि आपका जो कागजात दिखाओ कि आपका कोई प्रॉपर्टी का, वहाँ भी ये सवाल है कि 87% ओनली 13% है पूरे महिलाओं भारत के अंदर में कोई उसके नाम पे जायदाद है, तो 80% महिला तो वैसे ही कट जाएगा। वही हुआ असम के अंदर, महिलाओं की असम के अंदर ज्यादातर महिलाएं पीड़ित है। लेकिन आप महिला दिवस के दिन क्या बोलना चाहते हैं देश की महिलाओं के लिए? देश की महिलाओं को यही बोलना चाहते हैं कि अपने हक के लिए आवाज उठाओ और अपना जो हक है कि वो पूरे समाज के हर एक हिस्से का हक के साथ में जुड़े हुए है, और जो बड़ा आंदोलन जो है जो आम जनता के हक के साथ में महिलाओं का हक जुड़े हुए है उसके साथ में, उसके लिए सड़क में उतरो। अपने हक तो कोई दे नहीं रहे, उल्टा दिशा में सरकारें जा रहे है, तो लड़ाई रास्ता है। और जब तक जो हमारा जीत हासिल हुआ समान अधिकार हर जगह में जहां तक नहीं होगा तो हमें चैन से नहीं बैठना है, हमारा लड़ाई जारी करना है। धन्यवाद।